الحمد لله الذي خلقنا وهدانا أمر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤم والشرور والهلكات أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو ما علمنا منها وما لم نعلم. हर तरह की हम्द और सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है जिसने हमें पैदा किया और हमें हिदायत बख्शी। उसने हमें इताअत के कामों का हुक्म दिया क्योंकि उनमें खैर और बरकतें हैं, और हराम कामों से मना किया क्योंकि उनमें नहुसत शर और तबाहियां हैं। मैं अपने रब की हम्द करती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ उसकी उन नेमतों पर जिनको उसके सिवा कोई शुमार ही नहीं कर सकता, उन नेमतों पर जिनको हम जानते हैं, और उन नेमतों पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिनको हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन हम उन नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें पैदा किया और पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारी हिदायत का भी इंतजाम किया। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर, इस प्लेनेट पर सबसे पहले नबी थे, और फिर उसके बाद अंबिया का सिलसिला हमेशा जारी रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पर आकर मुकम्मल हो गया। फिर इसी तरह अल्लाह सुभानहू ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया पर, सहीफे, रसूलों पर किताबें नाजिल की। बड़ी बड़ी किताबों के नाम तो हम सबको मालूम हैं, और इन सब के आखिर में हमारे लिए हिदायत का सर चश्मा कुरान हकीम भेजा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाजिल हुआ। और आप क्या थे? चलता फिरता कुरान थे। जो कुछ आपने कुरान में से तालीम दी उस पर खुद अमल करके भी दिखाया। लिहाजा हमारे लिए हिदायत के दो बड़े सर चश्मे हैं, एक है अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरे है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी सुन्नत, आपकी हदीस। कुरान मजीद में अहकामात मिलते हैं और उनकी अमली तफसीर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है। आपका दिन कैसे होता था, आप दिन कैसे गुजारते थे, हमें अपने दिन कैसे गुजारने चाहिए, अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, इसके बारे में हमें जरूर रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए कामयाबी के रास्ते कौन से हैं और हकीकी कामयाबी किस चीज का नाम है, ये हम सबको मालूम भी होना चाहिए और इसकी याद दहानी भी होती रहनी चाहिए। अल्लाह सुभानहु ताला ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हर वो बात बता दी है जिसकी हमें इस जिंदगी में जरूरत है, जिस चीज के बारे में हमें रहनुमाई चाहिए वो रहनुमाई हमें फराहम कर दी गई है। लेकिन अफसोस ये कि आज उम्मत की अक्सरियत उस रहनुमाई से गाफिल है। हम तालीम हासिल करते हैं, यानी दुनियावी तालीम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और करनी भी चाहिए, क्यों ना की जाए। उम्मत मुस्लिमा की जरूरत है कि उसके अफराद हाईली एजुकेटेड हों, इल्म के मैदान में, तहकीक और रिसर्च के मैदान में बहुत आगे हों। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कुमंद। तो सितारों पे कुमंद ने तो मुसलमानों को डालनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये कि आज हम इस मैदान में भी पीछे हैं। तो इसलिए जो भी बच्चियां आज यहाँ हाजिर हैं, मैं उन सबसे ये कहूंगी कि वो अपनी तालीम के मैदान में खूब खूब मेहनत करें, और जितना उनको आता है उसको काफी ना समझें, अपनी थिंकिंग को बहुत हाई रखें और बहुत आगे तक के लिए सोचें। ये मत सोचें कि अच्छा मैं मैट्रिक कर लूं या एफए कर लूं या बीए कर लूं और जब रिश्ता आए, शादी हो जाए तो बस पढ़ना लिखना छोड़ दूं, जो कि हमारे माशरे का आम तौर पर ट्रेंड बन चुका है कि लड़कियां उस वक्त तक तालीम हासिल करती रहती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, और शादी हो जाती है तो किताबें बंद करके रख दी जाती है। हालांकि मैं समझती हूँ कि शादी के बाद इंसान को ज्यादा जरूरत पड़ती है इस बात की कि अब वो इल्म हासिल करे, क्योंकि शादी के बाद की जिंदगी एक अमली जिंदगी होती है, और अमली जिंदगी के लिए अमली रहनुमाई भी बहुत जरूरी है। बहरहाल जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी कामयाबी, हमारी फलाह सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं है, बल्कि जब तक हम आखिरत में कामयाब न हो उस वक्त तक कामयाब नहीं है। चाहे दुनियावी एतबार से हम कितना भी आगे निकल जाएं, कितनी भी डिग्रियां हो हमारे पास, कितना भी माल हो, कितनी भी जिंदगी की ऐशो इशरत हमारे पास हो, लेकिन अगर अल्लाह हमसे राजी नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान की असल खुशकिस्मती, इंसान की असल सआदत
اور اس کی محنتوں کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے. لہذا ہماری ہر کوشش کی ڈائریکشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ ہو. آپ اپنی کوششوں کو صرف یہاں تک نہ رکھیں کہ ہمیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا پروفیشن ہو، عزت ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اینڈ دیٹس اٹ. یہ سب چیزیں تو ہم سے چھٹ جائیں گی. انسانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اپنی قبر میں تو کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. یہ تو سب دنیا کی کامیابیاں ہیں، اور یہ دنیا کی کامیابیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، کہ آخرت کا گھر ہی تو دراصل زندگی ہے. وہاں جو زندگی ملے گی جنت میں، اس کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا ابدا، یہ الفاظ بار بار آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی تڑپ، لگن، دعا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کروں مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے اپنے اعمال کو اچھا کریں. کیونکہ نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتا جس کو ہمارا دل نیک کہتا ہے، نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نیک قرار دیا ہے، جس کے اندر اخلاص ہو اور اتباع ہو. اخلاص کے اللہ کے لیے ہو اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو ایک مومن کی کامیابی تو اس میں ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کا رب اس سے راضی ہو، اور رب نے جو احکامات اس کو دیے ہیں اطاعت کے، عبادت کے، ان کو پورا کر کے جانے والا ہو. تو سب سے پہلا کام جو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا وہ نماز کا قیام ہے. رکوع اور سجدے کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو، پھر نیکی کے تمام کام کرو جس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک، مہمان نوازی، بیمار پرسی، محتاجوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور دیگر اچھے اخلاق شامل ہیں. تو کامیابی کے لیے یہ تمام کام ضروری ہیں. اس لیے ہمیں ان سارے کاموں کو اس طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز ہم رات کو سونے کے بعد جاگنے سے کرتے ہیں. تو اب میں سٹیپ بائی سٹیپ دن کے مختلف کاموں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی. آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس ٹو ڈو لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے صبح کے وقت کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے. یعنی ہر شخص ہر روز ایک تجارت کرتا ہے جس میں یا تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ نقصان اٹھاتا ہے. ہر روز ہمیں دن کے 24 آورز مل جاتے ہیں، اور 24/7 یعنی پورے ہفتے میں ہمیں ہر روز 24 آور ملتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان 24 آورز کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا سودا نفع بخش ہوتا ہے، وہ پروفٹ کما لیتے ہیں. اور کچھ لوگ انہی 24 آورز کو ضائع کر کے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ کام لازمی کر لینے چاہیے کہ جن سے یہ 24 آورز ہمارے سیکیور ہو جائیں اور ہماری کامیابی کا راستہ ان سے طے ہو جائے. سب سے پہلی چیز جو آنکھ کھلتے ہی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے صبح کی دعا، جس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند موت کی بہن ہوتی. جس طرح نیند میں انسان
कुछ देखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, इसी तरह मौत के बाद भी इंसान का देखना सुनना खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी एक रूह ले ली जाती है। इसी वजह से वो रूह आप देखें कि जहाँ जहाँ जाती है, जो जो कुछ देखती है, उसका एक कनेक्शन इंसान के साथ भी होता है, तो इसी के बिना पे हम ख्वाब देखते हैं। और बाज़ औक़ात वो इंसान जो है वो बहुत सफर तय कर रहा होता है, जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उनसे जाके मिल रहा होता है, तो ये दरअसल रूहों की मुलाकात होती है। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला जिंदगी देता है उसकी रूह वापस उसके जिस्म में सुबह जागते ही लौटा दी जाती है, और जिन की मौत नींद के अंदर लिखी होती है उनकी रूह वापस नहीं आती। इसीलिए आपने जरूर ये सुना होगा कि फला शख्स सोया तो फिर उठा ही नहीं, क्योंकि उसकी वो रूह जिस पर उसकी जिंदगी का दारो मदार था वो उसको वापस नहीं दी गई। तो याद रखिए, हमारी जिंदगी और हमारी मौत टोटली अल्लाह सुभान व तआला के कंट्रोल में है। इसलिए हर रोज जब सुबह हमें जिंदगी का एक और दिन मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे एक और दिन मिल गया, और फिर खुश होना चाहिए कि मुझे अपनी आखिरत की कमाई के लिए मजीद वक्त मिल गया है। और याद रखिए कि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूँगा। जो बंदा शुक्र गुजार होता है, ग्रेटफुल होता है, उसकी नेमतों में इजाफा होता चला जाता है। फिर आप देखिए कि हम आम तौर पर भी अल्लाह सुभान व तआला की तारीफ क्यों करें। हम देखते हैं कि कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अगर ये पहाड़ और ये दरख्त और ये फूल और फल और ये पत्ते और ये तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह करती हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रहें? हमें तो अल्लाह ताला ने अफजलुल मखलूकात बनाया है, बाकी चीजों को हमारे लिए बनाया है। अगर आपके घर में लगा हुआ दरख्त अल्लाह की तस्बीह कर रहा है और आप सो ही रहे हैं, तो आप सोचिए कि फिर अल्लाह के नजदीक वो दरख्त ज्यादा अच्छा है जो उसकी तारीफ कर रहा है, या वो इंसान जो शैतान के बहकावे में आके गाफिल होके नमाज के वक्त में सो रहा है। कुरान मजीद में आता है, तुसब्बिहु लहुस समावातु सब्उ वल अर्दु वमन फीहिन वा इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, सातों आसमान और जमीन उसकी तस्बीह करते हैं, यानी अल्लाह सुभान व तआला की, और जो भी इनमें चीजें हैं वो भी, और कोई भी चीज ऐसी नहीं मगर वो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। यानी इंसान को उनकी जबान नहीं मालूम, उनकी तस्बीह का तरीका नहीं मालूम। बेशक वो हमेशा से बुरदबार नहायत बख्शने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को माफ कर देता है कि जिस वक्त सारी कायनात अल्लाह की हम्द बयान कर रही होती है, सारे फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए होते हैं, वहाँ एक इंसान जिसको इख्तियार दिया गया, जिसको अल्लाह ताला ने चॉइस दे दी है, वो अपनी चॉइस से अल्लाह की इबादत करे तो सारी मखलूक से अफजल हो जाता है। और जब वो अल्लाह की दी हुई इस आजादी से फायदा नहीं उठाता और अल्लाह की नाफरमानी करता है तो सारी मखलूकात से ज्यादा निचला हो जाता है। ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, असफल साफिल, साफिल कहते हैं नीचे गिरने वाले को, और असफल जो सबसे नीचे जा गिरे। जब सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करेगी और इंसान नहीं करेगा तो इंसान तो पीछे रह जाएगा ना, उसको तो इज्जत इसी में मिलेगी कि वो अपनी चॉइस से ये सब कुछ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सबसे अफजल बंदे वो होंगे जो कसरत से अल्लाह की तारीफ करने वाले हैं। तो इसलिए जो नेमत भी आपको मिले उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहिए। हदीस में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीजान को नेकियों से भर देता है। इतना बड़ा कलिमा है ये कि अल्लाह मैं तेरी तारीफ करती, तेरी हम्द सना करती। फिर इसी तरह अगर इंसान पानी का एक घोंट भी पीता है, एक घोंट, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है। अब आप सुबह के वक्त उठ गए, सुबह के वक्त उठकर आपने दुआ पढ़ी, जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इस शुक्र का अमली तरीका क्या है कि आप नमाज फजर अदा करें। तो उठने के बाद पहला काम नमाज फजर अदा करना है, क्योंकि सूरज निकलने के साथ ही नमाज फजर का वक्त चला जाता है, तो इसको विद इन टाइम, विद इन लिमिट्स हमें अदा करना होता है। फजर की नमाज जो है ये अमल की पहली बुनियाद है।
उस वक्त आपने साबित कर दिया कि आप अल्लाह के बंदे हैं या अपने नफ्स के बंदे हैं। जो नफ्स के बंदे होते हैं वो अपनी मर्जी के काम करते हैं उठ के, और जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह की इबादत गुजार होते हैं, वो पहला काम क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। जिसने उन्हें अदा किया और उनका हक हल्का समझते हुए उनमें से कुछ जाया नहीं किया, तो अल्लाह का उसके लिए क़यामत के दिन के लिए ये वादा है कि उसको जन्नत में जरूर दाखिल फरमाए। और जिसने इन नमाजों को अदा किया मगर इनका हक हल्का समझते हुए उनमें से कुछ जाया कर दिया, तो अल्लाह का उसके लिए कोई अहद नहीं, वो चाहे तो अजाब दे और चाहे तो माफ फरमा दे। लिहाजा नमाज को मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। अल्लाह सुबहानु ताला सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद फरिश्तों से बंदों का हाल पूछते हैं कि जब तुम गए थे, ये तो आपको मालूम है ना, हमारे दाएं बाएं किरामुन कातिबीन है, 2 फरिश्ते हैं, इनकी ड्यूटी 24 आवर की नहीं होती, इनकी ड्यूटी 12 आवर होती है, और ये फजर और असर के वक्त अपनी ड्यूटी तब्दील कर देते हैं। जो फजर के वक्त आते हैं वो असर के वक्त तक हमने जो कुछ किया होता है वो सारा लिख कर वापस ले जाते हैं, और वहां से नेक्स्ट रिफ्रेश फरिश्ते आ जाते हैं जो अगले वक्त के लिए पूरी रात के लिए हमारे आमाल लिखते हैं, और फिर वो फजर के वक्त वापस जाते हैं और नए फरिश्ते फजर के वक्त हमारे पास आ जाते हैं। जब ये वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला खुद इनसे पूछते हैं कि तुमने बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, और इस हाल में उनके पास पहुंचे कि वो नमाज पढ़ रहे थे। तो जो शख्स फजर और असर की नमाज का एहतमाम करता है उसकी डेली रिपोर्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास बहुत बेहतरीन जाती है कि वो नमाज पढ़ रहे थे। फिर आप देखिए कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल भी किसके बारे में होगा? नमाज के बारे में। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर नमाज दुरुस्त नहीं तो सारे आमाल में बिगाड़ आ जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी हरगिज आग में नहीं जाएगा जिसने सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ी, यानी फजर और असर की नमाज पढ़ी। और फिर नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के रिस्क का वादा भी करते हैं। फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकु, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर खूब कारबंद रहिए, हम तुमसे किसी रिस्क का मुतालबा नहीं करते, हम ही तुम्हें रिस्क देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो शख्स अपनी इबादत सही तौर पर करता है अल्लाह सुब्हानु ताला उसको तनहा नहीं छोड़ता। नमाज से इंसान के घर में बरकत आती है, इसलिए खुद भी नमाज अदा करनी चाहिए और घर वालों को भी उसका हुक्म देना चाहिए। फजर की सुन्नतों को कभी ना छोड़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर से पहले की 2 रकतें दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है, यानी फजर की सुन्नतें बेहतर हैं किससे? पूरी दुनिया से। अगर आपको पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी वो कम है बनिस्बत इसके कि आप 2 रकत नमाज सुन्नत अदा करें, और अगर सुन्नत का इतना बड़ा अजर है तो फिर फर्ज का क्या होगा? याद रखिए, फजर के वक्त सोए रहने की मुसम्मत है, फजर के वक्त सोना दुरुस्त नहीं। एक आदमी जो रात से लेकर सुबह तक सोता रहा, आपने उसके बारे में फरमाया, ये वो शख्स है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया था। अब शैतान भी हमने नहीं देखा और उसका पेशाब भी नहीं देखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बात दुरुस्त होगी, क्योंकि आप सादिक और अमीन थे। ये बात तो हम सब जानते हैं, सभी मानते हैं। मुराद इससे ये है कि उस शख्स के ऊपर खूब नहुसत तारी होगी। इसीलिए आप देखें कि जब आप लेट उठते हैं, नमाज नहीं अदा करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो फिर आपकी तबीयत सारा दिन बोझल रहती है। फिर आपकी कोशिश ये हो कि नमाज खुशू के साथ पढ़े। खुशू का मतलब नमाज में रोना धोना नहीं। बाज लोग समझते हैं कि कुछ लोग नमाज में बहुत रोते हैं लिहाजा उनकी नमाज ज्यादा खुशू वाली है, ऐसा नहीं। रोना खुशू नहीं होता, बल्कि दिल का मुतवज्जे होना और आजा का पुरसुकून होना, इसको खुशू कहते हैं। यानी नमाज में हमें हिलना नहीं चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, ऐसे में झूम झूम के भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज में स्टिल बिल्कुल साकित खड़े होना चाहिए कि अगर कोई परिंदा भी आके बैठ जाए तो वो बैठा रहे कि ये शख्स शायद ये कोई पोल है या कुछ और है। और इस बात का ख्याल रखना कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, इससे खुशू आता है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, नमाज में खुशू कैसे लाएं? बस ये सोच लें नमाज पढ़ने से पहले
कि मैं अल्लाह सुभान व तआला के सामने खड़ी, फिर अपने रब से सरगोशियां करें, चुपके चुपके बातें करें, यानी नमाज के अल्फाज अदा करें। खुशू के बगैर नमाज ऐसे ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म। खुशू नमाज की रूह है। और कामयाब होने वाले मोमिनों की सिफत यह है, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशिऊन। यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब तबारक व तआला से सरगोशी करता है, चुनाचे उसे मालूम होना चाहिए कि वो अपने रब से क्या सरगोशी कर रहा है। लिहाजा जब आप नमाज में हो तो बहुत सुकून के साथ खड़े हों, रुकू में जाएं तो टिक जाएं, फिर खड़े हों, सजदे में जाएं तो माथा और नाक आपका जमीन पर टिक जाए, और तस्बीहात पढ़ें, हर हड्डी अपनी जोड़ पर आ जाए, और फिर आप सीधे खड़े हों। यानी ये नहीं कि आप रुकू में गए हैं, ऐसे जल्दी से नीचे हुए, फिर खड़े हो गए, फिर जल्दी से सजदा। कई लोग तो दोनों सजदे बस एक ही दफा सर रख के दो दफा मार के उठ जाते हैं, ये तो सजदा नहीं होता। हम अल्लाह के सामने खड़े, नमाज में ये सोच हमारे ऊपर छाई रहे, गालिब रहे कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है, और अजर को भी सामने रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब भी कोई सजदा करते हो तो अल्लाह उस सजदे की वजह से तुम्हारा एक दर्जा बढ़ा देता है। हर सजदे की वजह से एक दर्जा बढ़ जाता है, और इसी के जरिए तुम्हारी एक खता भी मिटा देता है। तो याद रहेगी ये बात, सजदे से क्या मिलेगा? एक दर्जा बुलंदी, यानी पहले जन्नत में जहाँ मकाम था उससे ऊपर हो गए, ऊपर ऊपर ऊपर। और क्या मिलता है? एक खता मिट जाती है, एक गलती साफ हो जाती। नमाज के बाद फौरन मुसल्ले से नहीं उठे, बैठे रहें, जिक्र अज़कार करें। क्यों? इसलिए कि इसका बहुत बड़ा अजर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने उस मुसल्ले पर बैठे रहो जहाँ तुमने नमाज पढ़ी थी और बेवजू ना हो, यानी वजू ना टूटे, तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मग़फिर लहू, अल्लाहुम्मरहमहू, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। तो क्या करना चाहिए फिर? अपनी जगह पर थोड़ी देर बैठ के तस्बीहात करके दुआएं फरिश्तों की लेके फिर उठें। अब ये जो तस्बीहात है ना, दो तरह से हैं। एक तो है 33-33 बार, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, और फिर आखिरी बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यूं कहने से 34 दफा हो जाता है, और हदीस से ये पता चलता है कि उसने अपनी तस्बीह पूरी कर ली। अब आप देखिए कि अगर आपके पास वक्त नहीं और आपको जल्दी किसी काम से जाना है तो फिर आप कितनी दफा पढ़ लें? 10-10 दफा। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दो दफा छोटी उंगली को प्रेस करेंगे, या छोटी उंगली जो है वो आपके अंगूठे के साथ लगेगी, ठीक है, तो आपको नंबर याद रहेगा, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, और फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरे 10 हो गए। तो 10-10 बार तीनों तस्बीहात पढ़ लें, 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 बार अल्लाहु अकबर। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें या दो आदतें ऐसी हैं कि अगर कोई मुसलमान बंदा इनकी पाबंदी कर ले तो जन्नत में दाखिल होगा, और वो बहुत आसान है, मगर उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 मरतबा अल्लाह अकबर कहे तो जबान की अदायगी के एतबार से 150 बार है, और मजमुई तौर पर पांचों नमाजों के बाद जो अमल तराजू में रखा जाए तो 1500 है। कितना अल्लाह सुभान व तआला ने अजर लिखा है आपके लिए। और अगर आप नहीं पढ़ते, छोड़ के उठ जाते, कितनी देर लगती है? एक मिनट, दो मिनट, दो भी नहीं लगते। हम अपना सेल फोन भी जा नमाज के साथ रख के बैठते हैं, जो सलाम फेरा फटाफट फोन उठा लिया, और अगर हमारे काम का कोई मैसेज ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? कुछ भी मिल जाए वो चला लेते हैं, और इतने बड़े खैर और खजाने से महरूम हो जाते हैं। फिर एक और बात यह है कि अगर उंगलियों में तस्बीह करेंगे तो ज्यादा सवाब होगा, उंगलियां गवाह बन जाएंगी, लिहाजा खूबसूरती के साथ उंगलियों को इस्तेमाल करना है। जैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर यानी इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसका क्या सवाब होता है?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے, مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا, اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں, اس کے لیے آسانیاں بھی کی ہیں. اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی ان چیزوں کو پابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اچھا, قیامت کے دن ہماری انگلیوں سے بھی سوال ہوگا, تو جب ہم ان پہ ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بولیں گی. قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ, ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں. پھر ہر نماز کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسْ. اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں, شیطان پریشان کرتا ہو, آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو, تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ میں چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پھیر لیا کریں. اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے, بہت لائٹ فیل کریں گے. اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے, آپ کو کوئی بیماری ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں. پھر صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرتم و اصیلا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یس, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اذکر اللہ ذکراً کثیراً, اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا, پوری تسبیح ہے 100 دفعہ پڑھنا چاہیے, پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تسبیح جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے, انسان کے دل کا غم دکھ پریشانی بھی ختم ہوتی ہے اس سے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا. قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ سے زیادہ پڑھا ہو. پھر اسی طرح اگر ہو سکے, جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. جو اسکول کے بچے تو ظاہر ہے انہیں اسکول جانا ہوگا, تیاری کرنی ہوگی, لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے. پھر اسی طرح یہ صبح شام کے اذکار ہے نا, یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے. صبح شام کے اذکار کے بارے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع, عظیم فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صبح و شام کے اذکار دل اور روح کی غذا ہے, دل میں سکینت ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے. جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا. پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں. پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے, یعنی ذکر کو. پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے, اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے. اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے زرہ ہوتی ہے نا, ویسے ہی ہے. صبح شام کے اذکار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں, چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھے. قرآن غموں کا علاج ہے, سکون کا ذریعہ ہے. قرآن کی تلاوت سے اجر ملتا ہے, ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں. اور پھر کہتے ہیں کہ الف لام میم, یہ بھی قرآن کے حروف ہیں. صرف یہ کہنے سے الف لام میم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ جی ہاں, 30 نیکیاں. پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو اسکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں.
आपको मालूम है कि मैंने दीनी तालीम जो है बाकायदा किसी मदरसे में दाखिल होकर नहीं ली, लेकिन उनके मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें से बहुत सी किताबें मैंने अपने वालिद से पढ़ी। और हमारा ये पढ़ने का स्टडी टाइम कौन सा होता था? फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज के वो इतना बाबरकत वक्त है कि उसमें आप थोड़ा सा भी कोई काम करेंगे तो बहुत जल्दी निबट जाता है। और जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे, बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए बहुत खुला हो जाता है, कुशादा हो जाता है, उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, शयातीन उस घर को छोड़ देते हैं, उसकी खैर बरकत हासिल होती है। फिर इसी तरह कुरान मजीद को अपना दोस्त बना लें, हर जगह आपके साथ होना चाहिए। अब तो खैर मोबाइल के जरिए वैसे भी साथ होता है, अगर आपने कुरान मजीद की एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई और उसमें बुकमार्क भी होता है, जितना आप पढ़ लें एक दिन वहाँ बुकमार्क लगा दें, फिर आगे और इस तरह आप पढ़ते चले जाए। कब्र में जब इंसान को लिटाया जाएगा, हम सब ने जाना है ना कब्र में, इसमें तो किसी को शक नहीं, हमने मरना तो है ही, इंसान हमेशा के लिए तो यहाँ आया नहीं। जब कोई मर जाता है तो उसको जब दफनाते हैं, कब्र के अंदर रखते हैं, तो कुरान जो है वो बंदे के सराहने की तरफ आ जाता है, सर की तरफ। और फिर फरिश्ता जब उसको अजाब देने लगता है तो वो कहता है कि मैं तो कुरान पढ़ता और पढ़ाता हूँ, और फिर तिलावत कुरान का जो सवाब होता है वो उस जगह पर आ जाता है और वो फरिश्ता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब फरिश्ता सामने से आता है तो सदका उसको परे धकेल देता है, और जब उसके पाँव की तरफ से आता है तो मसाजिद की तरफ चल कर जाना उसे दूर कर देता है। फिर इसके बाद 2 रकत नमाज इशराक, ये हमारे जिस्म के 360 हड्डियों का क्या है, यानी इसको पढ़ के गोया हम एक एट्रीब्यूट पेश कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए जैसे रात के नवाफिल अहमियत रखते हैं, इसी तरह दिन के नवाफिल भी अहमियत रखते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें, हमारे जिस्म का सदका है। हम में से हर रोज तो हर शख्स सदका नहीं कर सकता, इतने पैसे तो नहीं होते सबके पास, लेकिन अगर आप ये 2 नफल पढ़ लेते हैं तो आपके बदन का सदका हो जाता है। फिर उसके बाद ये कि हम में से हर एक को, चाहे वो स्कूल में जाता है या नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर क्या करना चाहिए, अपने लिए इल्म नाफे में इजाफा करना चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, माशाल्लाह आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, आपके पास लाइब्रेरीज हैं, आप लाइब्रेरीज से अच्छी अच्छी किताबें निकलवाएं और उनका मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सलाम फेरते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व अमलन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतकब्बलन, और पाकीजा रिस्क, तय्यिब रिस्क और अमल कबूल होने वाला ये नसीब कर। तो इल्म नाफे क्या है? इल्म नाफे वो नफामंद इल्म है जिससे इंसान की दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। लिहाजा स्कूल कॉलेज में जो भी आप चीजें ऐसी पढ़ रही हैं जो आपको आइंदा जिंदगी में काम आने वाली हैं, तो वो इल्म नाफे है। फिर इसमें दीनी उलूम भी आ जाते हैं, दुनियावी उलूम भी आ जाते हैं। और फिर ये कि इल्म सीखने और सिखाने के लिए अपने औकात मुकर्रर करें, हर वक्त किताबें लेके ना बैठे रहें। घर वाले को इसी काम के लिए बुलाएं और आप कहें मुझे तो पढ़ना है, और उनको किताबें दिखा के तो फिर आप आराम करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर नाश्ते की बारी आती है, नाश्ता जरूर करें, अगरचे खजूरी खाएं। बहुत से बच्चे स्कूल में भूखे चल पड़ते हैं और फिर कैंटीन पे आकर जैसी तैसी चीजें खा लेते हैं, बस पेट भर लेते हैं। फिर आप देखिए कि अगर आप घर से नाश्ता करके चलेंगे, और खासतौर पर लड़कियों को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती, अगर आप 1 कप दूध और 2 खजूरे भी खा के घर से आ जाए तो दोपहर तक आपका गुजारा हो सकता है, काम चल सकता है, लेकिन उससे जो दोनों चीजों से आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी कुव्वत में और ज्यादा इजाफा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं जो खाने और पीने दोनों से किफायत करे, यानी दूध को खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि वो जम जाता है बाजू का दूध, दही बन जाता है, तो उसको खा ले और दूध को पी ले। फिर आप देखिए कि खाने से पहले क्या करें, आप में से कोई बताएगा? बिस्मिल्लाह, आगाज में क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। अगर शुरू में याद नहीं रहा तो फिर क्या करें? बिस्मिल्लाह ही अव्वलुहु व आखिरुहु, ठीक है। खाना खड़े होके खाना चाहिए या बैठ के? बैठ के। चलते फिरते चीजें उठा के मुंह में ना डालें, उनको इकट्ठा करके रख दें और फिर कहीं बैठ जाएं, और फिर इत्मीनान से खाते भी रहें और साथ पढ़ते भी रहें। फिर दाएं हाथ से खाना चाहिए या बाएं हाथ से? दाएं हाथ से। हर लुकमा और हर घूंट लेकर क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या फायदा होता है?
کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے؟ میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے. پھر آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی؟ ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہیں. جس کو نہیں آتی آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں، بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پہ لگا لیں، جو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پہ پڑے، اور پہلے سے ہی تیاری کر لیں. کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں نا کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، دعا پڑھیں. جو شخص یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا، آپ کا رزق ہے، میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح صبح صبح ایک نیت کریں، اور وہ کیا ہے؟ حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی میرے رب کے لیے، اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں وہ کام کروں گی جن سے میرا رب راضی ہوگا، اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے کام کون کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے؟ اور ہمیں تو ٹپس پہ بتا ہونا چاہیے، ایک دو تین چار پانچ، جلدی جلدی جلدی. ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے، بالکل. اور ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، اور ساری مخلوق سے احسان کرنا، ہر بندے سے اچھی طرح پیش آنا، دوسروں کو معاف کر دینا، والدین کا احترام کرنا، ٹیچرز کا احترام کرنا، پیٹ پیچھے بری بری باتیں نہیں کہنا، پھر اسی طرح اور بھی جتنے جانوروں کے ساتھ احسان، پھر اسی طرح پودے زیادہ سے زیادہ لگانا. پودا لگانے کا کیا ثواب ہے، کوئی بتائے گا؟ اور ہماری زندگی میں پودوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے. آپ سب پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں، کتنے زیادہ انوائرمنٹ ایشوز ہو گئے ہیں، اور وہ زیادہ درخت کٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں پر کالونیز بن گئی ہیں اور درخت کاٹ دیے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو خالص کریں کہ اللہ میری زندگی آپ کے لیے، اور پھر ہم ایمان کے ساتھ خوبصورت بنے. یعنی بہت سے لوگ صرف میک اپ سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں، ہمیں ایمان کے ساتھ، ایمان ہوتا ہے دل میں، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے. اگر ایمان دل کے اندر خوبصورت ہے نا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چہرہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے. پھر اسی طرح قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی غذا اب تک آپ دے رہے تھے اس کو، اب جسمانی طہارت کا بھی خیال کریں. پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاباش، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت؟ ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکیزگی کا اہتمام کریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ طہارت میں جسم، ناخن، بدن، سکن، بال، ان سب کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے. مسواک کرنا، مسواک کرنے کے کیا فائدے آپ نے کو بتائے گا؟ جی، منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. شاباش. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے. وضو سے بھی پہلے مسواک، پھر وضو کے بعد کی دعا. اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ساتھ ہی لگا لے. ایک قرآنی دعا ہے اور ایک مسنون دعا ہے. وضو کے